हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आपके साथ स्टार्ट करना है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज चैप्टर में, जो सब क्लासिफिकेशन है करंट लायबिलिटीज का। हमने करंट लायबिलिटीज को पहले समझा है कि करंट लायबिलिटीज क्या है, हमने करंट लायबिलिटी के साथ में ऑपरेटिंग साइकिल को भी समझा आपके साथ। अब जो हमारा सब हेड है करंट लायबिलिटी, अगर हमारा मेजर हेड है बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 के हिसाब से इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में, तो इस करंट लायबिलिटी के अंदर कुछ सब हेड्स भी हैं, चार सब हेड हैं। उन चारों सब हेड को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। आइए जी, तो सबसे पहले देखिए हमने आपके लिए लिखा है यहां पर कि जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं उनमें क्या क्या आता है। तो एज पर शेड्यूल 3 करंट लायबिलिटीज आर सब क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो क्या क्या है, पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, जैसे लॉन्ग नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हुआ करती थी, यहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, यानी वो बोरोइंग्स जो आपने 12 महीने के पीरियड के अंदर अंदर सेटल कर देनी है, उधार लिया है 12 महीने के अंदर अंदर पे ऑफ करने के लिए, वो हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स रहती हैं। उसके बाद ट्रेड पेएबल्स हैं, जो आपके ऑपरेशन से बिजनेस के क्रेडिटर्स हैं उन्हें ट्रेड पेएबल्स कहते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज आती हैं हमारे इस हेड के अंदर, ठीक है, एंड देन लास्ट है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करें सभी को। सबसे पहले देखिए हमारे पास है जी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या है, कहता है बोरोइंग्स विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, जो 12 महीने के अंदर आपने बोरोइंग की है और उसका पेमेंट जो है 12 महीने के अंदर ड्यू है इस पेमेंट के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन। कब से हमें देखना होता है, डेट ऑफ लोन से, डेट ऑफ बैलेंस शीट मत देखना, डेट से, डेट ऑफ बैलेंस शीट से देखोगे तो हमारी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी वो भी आखिरी साल में इस पार्ट में आएंगी, इस पार्ट में नहीं लेंगे, उन्हें अदर करंट एसेट्स में लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखना डेट ऑफ लोन इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है, मैं इसे मार्क भी कर देता हूं। ये देखिए डेट ऑफ लोन से आपने देखना है कि जिस दिन लोन लिया था उसके 12 महीने के अंदर इनकी पेमेंट करनी है, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएंगे, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद समझिए यहां पर कि जो हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है इसके अंदर क्या क्या सब क्लासिफिकेशन फर्दर है, यानी आप इसमें कह लीजिए और क्या क्या चीजें आती हैं इसमें। देखिए इसमें आता है लोन्स रिपेएबल ऑन डिमांड, आपने लोन लिया हुआ है कोई भी, ऑन डिमांड रिपेएबल है, यानी कि आपके ऊपर नहीं है, आप उसकी डेडलाइन नहीं दे रहे हैं, अगले व्यक्ति ने आपको लोन दे रखा है, वो जब मांगने आ जाएगा आपसे तब आपको पे करना पड़ेगा, ऑन डिमांड लोन है आपके पास, जैसे ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कैश क्रेडिट, बैंक देता है आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, हर साल इसको एडजस्ट करना पड़ता है आपको, ठीक है। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज आपने ले रखा है, बैंक के अलावा और किसी पार्टी से आपने लोन ले रखा है जिसका ड्यू पेमेंट डेट है 12 महीने के अंदर अंदर, उसे भी आप कहां लेते हैं, यहीं लेते हैं बोरोइंग्स के अंदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। डिपॉजिट्स, आपने डिपॉजिट ले रखे हैं किसी से, ठीक है, पैसा ले रखा है डिपॉजिट्स के फॉर्म में, वो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है अगर 12 महीने के अंदर अंदर उसकी ड्यू डेट है पेमेंट की फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। देन अदर लोन्स एंड एडवांसेस, इसके अलावा भी कोई अगर और लोन एंड एडवांसेस आपने किसी से ले रखे हैं उनका नेचर स्पेसिफाई करते हुए किस नेचर में है, वो आप यहाँ अदर कैटेगरी में ले सकते हैं, अदर्स लोन एंड एडवांसेस की कैटेगरी में, ठीक है जी। तो ये हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं। इसके बाद बात करें शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारा जो पहला सब हेड है हमारे मेजर हेड करंट लायबिलिटीज में, उसमें सेकंड की बात करें जी ट्रेड पेएबल। तो ट्रेड पेएबल आप समझे, अगर मैं शॉर्ट पे भाषा में बोलूं तो ट्रेड पेएबल इज अ सम टोटल ऑफ बिल पेएबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आते हैं आपके बिल पेएबल और दूसरा आता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन दोनों को जो मिलाकर ट्रेड पेएबल बनते हैं आपके। तो ट्रेड पेएबल बनते कैसे, तो सुनिए ध्यान से, जब बिजनेस के अंदर आप गुड्स परचेज करते हैं या सर्विसेज लेते हैं किसी से, ठीक है, और उसका पेमेंट आपने करना है, ठीक है, तो वो पेमेंट जो है वो ट्रेड पेएबल कहलाते हैं, ट्रेड के बिजनेस के पेएबल्स हैं आपके वो, ठीक है। इसमें दोनों तीन चीजें आती हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बिल पेएबल भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर सी पर, हमारा जो तीसरा सब हेड है करंट लायबिलिटीज का, वो है जी अदर करंट लायबिलिटीज, यानी जो बोरोइंग्स में नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नहीं आएगा, जो हमारे ट्रेड पेएबल में नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा, ये मिसलेनियस या कह लो जो रिमेनिंग रेजिडरी हेड है हमारा, रिमेनिंग हेड है जो बाकी चीजें करंट लायबिलिटीज की नहीं आ पाई हमारी बोरोइंग्स में, नहीं आ पाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में या फिर ट्रेड पेएबल में, वो यहां आनी है। तो देखिए क्या क्या चीजें आती हैं अदर करंट लायबिलिटीज में। वैसे हमने जब ऊपर पॉइंट्स किए थे तो काफी जगह आया था कि ये चीज अदर करंट लायबिलिटी में आएगी, वो चीजें भी हमने यहां एग्जांपल में लिखी नहीं है। तो देखिए इट इज अ मिसलेनियस सब हेड, ठीक है, मिसलेनियस क्यों कहा, मैंने बताया कि जो चीजें ऊपर नहीं आ पाई किसी भी करंट लायबिलिटी में वो यहां आती हैं, या तो बोरोइंग में नहीं आ पाई,
ट्रेड पेबल में नहीं आ पाई वो यहां आएंगी। ऑल करेंट लाइबिलिटीज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किन यानी किन को छोड़कर, छोड़ना किसको है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को एंड ट्रेड पेबल को, उनको छोड़कर बाकी सब चीजें यहां आती हैं, और जो चीजें यहां आती है वो अदर करेंट लाइबिलिटीज के हेड में आ रही। जैसे करेंट मैच्योरिटीज, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट जो था आपका वो करंट पीरियड में मैच्योर होने वाला है, विद इन नेक्स्ट 12 मंथ मैच्योर होने वाला है, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो हो नहीं सकता क्योंकि उसकी लोन डेट तो साल भर से ज्यादा की थी, ठीक है, बट आज वो इस साल मैच्योर होने वाला है तो करंट लायबिलिटी हेड में डालना है। कौन से में डालेंगे, अदर करंट लायबिलिटीज में डालेंगे उसको। ऐसे ही इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, अक्रू तो हो गया ठीक है बट ड्यू डेट नहीं आई उसकी, वो भी कहां जाने वाला है आपका, वो भी अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग, ड्यू भी हो चुका है बट आपने पेमेंट नहीं की, पहले में तो क्या था अक्रू तो हो गया था, ड्यू नहीं हुआ था तो इस कारण से पेमेंट नहीं हुई थी, दूसरा अक्रू भी हो गया ड्यू भी हो गया बट अभी आपने पेमेंट नहीं की तो वो भी कहां जाएगा जी आपके पास, वो भी जाएगा। देखिए यहां अक्रू भी हो चुका है बट ड्यू नॉट ड्यू है, यहां अक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया, दोनों में से ज्यादा राइट किस पर है आपका, इस पर है क्योंकि अक्रू भी हो गया ड्यू भी हो गया बट कंपनी ने पेमेंट नहीं की है बाहर वाले लोगों को, तो उनके लिए करंट लायबिलिटी है। दूसरा ये भी करंट लायबिलिटी क्योंकि ड्यू हो ही जाएगा कुछ समय में, ठीक है, ऐसा नहीं होता साल भर ज्यादा समय लगेगा ड्यू होने में, ठीक है, तो दोनों ही हमारे लिए अदर करंट लायबिलिटीज में आएंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको कोई इनकम एडवांस मिल गई भाई, इस साल आपने जब एडवांस माना तो अगले साल की मिली होगी, अगले साल नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर वो भी आपके लिए क्या है, सेटल होना है, उसको एडजस्ट होना है, इसलिए अदर करंट लायबिलिटी में डाला। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड आपने नहीं पे किया, आपको पता है डिविडेंड को आपको पे करना होता है इमीडिएटली लगभग, ठीक है 15 दिन का समय मिलता है आपको तो आपको पेमेंट करनी होती है, नहीं पे किया तो उसे ट्रांसफर करेंगे तो आपके लिए तो इमीडिएट लायबिलिटी है ना, आप थोड़ी ना कहेंगे नहीं कोई मांगने नहीं आया तो अगले 4 साल नहीं मांगने आएगा, नहीं वो तो कल ही आ सकता है, यानी आपकी लायबिलिटी तो इमीडिएट है ना, तो अनपेड डिविडेंड को आप अदर करंट लायबिलिटी में डालते हैं। उसके बाद है एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव एंड ड्यू फॉर रिफंड, रिसीव हुई है और रिफंड करना है उसका, और चाहे उसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल हो, दोनों ही हमारी करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटीज में आती है ये, ठीक है जी, ऐसा थोड़ी ना रिफंड के लिए 2 साल बाद रिफंड करेंगे आप, नहीं इमीडिएट लायबिलिटी होती है, ठीक है। चलिए अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स मैच्योर हो चुके हैं, डिबेंचर्स मैच्योर हो चुके हैं या उनका इंटरेस्ट तैयार है, अभी हमने पे नहीं किया तो आप ऐसा थोड़ी ना कहोगे, हो सकता है अनक्लेम्ड है वो, अभी मांगने नहीं आया, हमने तो तैयार थे डिबेंचर का पैसा देने के लिए, डिपॉजिट्स का पैसा देने के लिए, बट उन्होंने जो अकाउंट नंबर दे रखा था वो सही नहीं है, बंद हो चुका है अकाउंट, पैसा कस्टमर के या पैसा डिपॉजिटर या डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हो रहा है हमारे यहाँ से, ठीक है, तो उस कारण से अगर हमारे यहाँ पड़ा है, ऐसे कारणों से ऐसे रीजन के कारण हमारे यहाँ पैसा पड़ा है तो वो अनपेड है फिलहाल के लिए, वो कभी भी पे करना पड़ सकता है, तो ये उसकी एक्सपेक्टेड सेटलमेंट ये नहीं कहेंगे 12 महीने से ज्यादा की है, तो वो भी कहां आएगा जी, वो भी हमारी अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। अदर पेएबल्स, इसके अलावा और भी बहुत पेएबल हैं, जैसे रेंट पेएबल, सैलरी पेएबल, टैक्सेस पेएबल, ये सब क्या है हमारे अदर पेएबल्स में आते हैं और ये सब भी अदर करंट लायबिलिटीज में आएंगे। जैसे कॉल्स इन एडवांस का पैसा है, सेटल होना जल्दी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, टैक्सेस पेएबल हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत चीजें आती हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारे पास है करंट अदर नहीं करंट लायबिलिटीज, जो हमारा पार्ट मेन मेजर हेड था उसका सब हेड वो है जी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होती थी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या होता था, उनके रिलेटेड क्लेम सेटल होने थे फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ, बियॉन्ड 12 मंथ सेटल होते थे। यहां पर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या है, इनके क्लेम, इन ऐसी प्रोविजंस जिनके अगेंस्ट में क्लेम सेटल होना होता है विद इन 12 मंथ्स, उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के एग्जाम्पल हैं, तो मैंने लिखा है आपके सामने। ऐसे प्रोविजन जिनके अगेंस्ट जो लायबिलिटी है वो अराइज हो जाएगी अगले 12 महीने के अंदर, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें बैलेंस शीट में हम बताते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन की तरह दिखाते हैं, ठीक है जी, ये भी अदर करेंट लायबिलिटीज के अंडर ही आता है। चलिए तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया करंट लायबिलिटीज का, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए आप इसे, ओके।